नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऐसी महिला के बारे में जिसे प्रकृति से था बहुत प्यार। उनके पास शिक्षा ना होने के बावजूद भी वह बहुत प्रकृति से प्यार करती थी। वो थी किंकरी देवी। किंकरी देवी का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव में 4 जुलाई 1904 में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से उनका विवाह अल्प आयु में ही करवा दिया था। किंकरी देवी मात्र 22 वर्ष की आयु में ही विधवा हुई। घर खर्च के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी का काम शुरू कर दिया। सिरमौर जिले में चूना पत्थर का उत्खनन तेजी से प्रतिबंध होने के बाद भी तेजी से पनप रहा था। अत्यधिक उत्खनन होने के कारण सिरमौर जिले का पानी और जमीन दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। अनपढ़ होने के बाद भी किंकरी देवी ने अवैध ढंग से हो रहे उत्खनन के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी पहली लड़ाई की शुरुआत स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं की मदद से की। उन्होंने शिमला के उच्च न्यायालय में जाकर लगभग 50 खदान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और सभी को प्रकृति के लिए जागरूक भी कराया। साथ ही उन्होंने गरीबी बीच में आई, पर उनकी अत्यधिक गरीबी भी उनके जज्बा को रोक नहीं पाई। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके खर्च के लिए उन्होंने अपना मंगलसूत्र भी बेच दिया। कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। किंकरी देवी के हौसले बुलंद थे। वह स्वयं शिमला गई और कोर्ट के आगे भूख हड़ताल पर बैठ गई। 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद कोर्ट ने उत्खनन के खिलाफ पहाड़ पर विस्फोट करने पर प्रतिबंध लगा दिया और किंकरी देवी के संघर्षों की जीत हुई। किंकरी देवी के कार्य को देखते हुए 1995 में उन्हें बीजिंग में राष्ट्रीय सम्मेलन में ना केवल बुलाया गया बल्कि उनके हाथों से दीप प्रज्वलित भी कराया गया। प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें नारी शक्ति राष्ट्र पुरस्कार व रानी झांसी उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।